खबर शामिल करते हैं चंडोल एआर से, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जश्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की जो हमने रैली निकाली है डिस्ट्रिक्ट चंडोल एआर की तरफ से, वो आज जो इस पाकिस्तान में 3.5 साल से एक जाबिर जालिम हुक्मरान नाफिस था, उससे पब्लिक की जान छुटी है, उसकी खुशी में सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो 3.5 साल की एक जदोजहद रही इस नाजायज हुक्मरान को निकालने में, आप देख रहे हैं आज ईद का समय है पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। तो आज हमने अपनी लीडरशिप को क्रेडिट देने के लिए और खराज पेश करने के लिए ये रैली निकाली है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, जैसा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो लॉन्ग मार्च 27 तारीख को शुरू किया था, उसका समर आना शुरू हो गया है और न्याजी को हम घर बिठा के आए, वो इंशाल्लाह अगला हमारा आने वाला वजीर अजम बिलावल भुट्टो होगा। कारकुनान ने किरिया शाख बाईपास पर पार्टी परचम थामे नगमों पर रक्स किया। जश्न रैली की क्यादत पीपल्स पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी जहीर अब्बास फताफी ने की। कारकुनान ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कारकुनान की जानिब से भरपूर अंदाज में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जबकि मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। इस मौके पर गो न्याजी गो, अगली बारी फिर जरदारी के नारे गूंजते रहे।